हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरीना की शादी को देखकर सब लोग थोड़ा शॉक थे, लेकिन सरीना और हर्ष के परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी हो जाने पर सरीना की बहन सिमरन उसे सवाल करती है, तीजू ही क्यों चुने, आखिर क्यों किया आपने ऐसे इंसान से शादी जो कि ठीक से चल भी नहीं सकता। तू अभी छोटी है तो नहीं समझेगी। बताओ ना दीदी। सरीना अपनी शादी का सपना देख रही होती है। वो कंफ्यूज थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे चुने। वो सपने में बोलती है, हाय राम, कितने सुंदर सुंदर हैंडसम लड़के हैं मेरे आसपास। नहीं नहीं, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, या फिर ये सब झूठ है। अरे नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ सच है। भगवान ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है तो लड़के तो मुझ पर लट्टू पट्टू होंगे ही ना। सरीना की माँ सुनीता उसे नींद में बड़बड़ाते हुए देखकर उसकी बातों को सुनकर गुस्से में आती है और वो बाल्टी में पानी लाती है और उस पर डाल देती है। सरीना अचानक से उठकर बोलती है, हाय, मैं दुल्हन, मेरा पति, मेरी शादी। ये क्या बकवास कर रही है, जरा टाइम दे। क्या टाइम हो रहा है, ये कोई टाइम है उठने का? क्या माँ, आपने तो मेरा सपना ही खराब कर दिया। आपको पता है मुझसे शादी करने के लिए चार दूल्हे आए थे और मुझे किसी एक को चुनना था। क्या चार दूल्हे, तेरा दिमाग सनक गया है क्या? अभी रुक, तुझे हकीकत दिखाती हूँ। तू यहीं बैठ बिस्तर पर, अभी बताती हूँ तुझे। माँ कान छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है। मैं तो तेरी पिटाई करने जा रही थी। माँ वो भी कर लेते, लेकिन शादी तो हो जाने देते आप। आपने तो मुझे पहले ही उठा दिया। अरे कितनी सुंदर लग रही थी मैं व्हाइट गाउन में। नींद से जाग जा, वरना तुझे होश में लाने के मेरे पास और भी तरीके हैं। अरे उठ रही हूँ देवी जी। सरीना नहा धोकर नाश्ते की टेबल पर आती है और जल्दी जल्दी से नाश्ता करके कॉलेज चली जाती है। कॉलेज जाकर वो क्लास में जा ही रही होती है कि तभी वो एक हर्ष नाम के लड़के से टकरा जाती है, जो कि अपनी व्हीलचेयर के सहारे कॉरिडोर से क्लास की तरफ जा रहा था और वो उसे देखकर बोलती है, आई एम सॉरी, कहीं लगी तो नहीं आपको, मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर वो क्लास में चली जाती है और क्लास खत्म करके वो क्लास के बाहर आकर ग्राउंड की एक बेंच पर बैठ जाती है, जहां उसे किसी के गाने की आवाज आती है और गिटार की धुन सुनाई देती है। वो धुन का पीछा करती है और एक पेड़ के नीचे देखती है, जहाँ हर्ष मग्न होकर गाना गा रहा होता है। हो आसमां मिला जमीं को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हर्ष अपने गिटार को साइड में रखता है और तभी तालियों की आवाजें गूंज उठती है और आसपास भीड़ जमा हो जाती है और उनमें से एक सरीना भी थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सरीना उसे देखती ही रहती है और वो उसके पास जाकर बोलती है, हेलो सिंगर। हेलो डियर, बट आप कौन? मैं सरीना हूँ और सुबह के लिए सॉरी। हाँ वैसे मैं तुम्हारा गाना सुनकर बहुत खुश हुई। नो नो, सॉरी मत कहो, हो जाता है कभी कभी। और मेरी तारीफ करने के लिए थैंक्स। सिंगिंग सीखते हो आप? एक्चुअली मैं सिखाता हूँ, मैं एक बैचलर स्टूडेंट होने के साथ एक म्यूजिक टीचर भी हूँ और मैं अभी बहुत आगे जाना चाहता हूँ। ओ वाओ, कितने बड़े सपने हैं तुम्हारे। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक्स एंड सेम टू यू। वैसे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो, कि तुम्हारे पैर व्हीलचेयर मतलब? इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है, ये मेरा बैड लक नहीं है, बल्कि इसे मैं अपना लकी चार्म मानता हूँ। अक्सर लोगों को ऐसे हालातों में खुद से लड़ते हुए देखा है, खुद को कोसते हुए देखा है, लेकिन तुम तो अपनी खामी को अपनी खूबी बताकर उसे अपना लकी चार्म बता रहे हो। बहुत ही अलग हो तुम। भगवान ने एक चीज ली है तो बदले में मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरी आवाज बहुत है उतना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही वो आपस में दोस्त बनते हैं और दोस्ती में उन्हें प्यार हो जाता है। थोड़े दिनों बाद सरीना गीता को हर्ष के बारे में बताती है, लेकिन जब हर्ष गीता से मिलने उसके घर आता है, तब गीता उसकी हालत देखकर हर्ष के बारे में सरीना को भला बुरा बोलती है। तू इस अपाहिज लड़के से शादी करना चाहती है जो खुद के पैरों पे भी खड़ा नहीं हो सकता? नहीं, हरगिज नहीं, मैं उससे तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। तेरी शादी मेरी सहेली के बेटे मनीष से होगी।
और सरीना भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले ही दिन मनीष के घर वाले उसे देखने आते हैं और उन्हें देखकर सरीना को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इन्हें शादी के लिए हरगिज़ नहीं कर सकती। सरीना के घर पर मनीष और उसके परिवार वाले उसका हाथ मांगने आते हैं। सरीना प्यारी सी ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनकर अपने ऊपर के कमरे की सीढ़ियों से नीचे आती है और उसे देखकर मनीष थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने मन में बोलता है, कितनी सुंदर है, गुलाबी होंठ और उस पर मुस्कुराहट, हाय हाय, सुरमई आंखें, काले घनी लटे और शर्मीला अंदाज, मजा आ गया इसे देखकर। मनीष मन ही मन में उसे पसंद कर चुका था, लेकिन जब सरीना और मनीष की मुलाकात होती है तब मनीष उससे पूछता है, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं ठीक था, लेकिन तुम्हें देखकर थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जब से मैंने देखा है तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। यही कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? हाँ मनीष जी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो दरअसल चल नहीं सकता, और मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवाना चाहते हैं, और मैं उसे भुला नहीं सकती क्योंकि मैं हर्ष से बहुत प्यार करती हूँ। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुमको हर्ष से शादी करनी है जो कि चल नहीं सकता, तो मेरे ख्याल से तुम्हें आगे चलकर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और तो और लोग तुम्हें और तुम्हारे हर्ष को पता नहीं क्या क्या। खैर, मेरे ख्याल से तुम्हारे घर वाले कभी नहीं चाहेंगे कि तुम ऐसे लड़के से शादी करो जो कि आगे चलकर तुम पर बोझ बने। मुझे सब मंजूर है, लेकिन मैं अपने हर्ष को अकेला नहीं छोड़ सकती, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जिंदगी कुर्बान ही क्यों ना करनी पड़े। मैं उन्हें उस नजरिए से नहीं देखती जिस नजरिए से उन्हें बाकी सब लोग देखते हैं। भले ही वो चल नहीं सकते, लेकिन उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान बनेगी। भले ही वो अभी तक एक बड़े सिंगर नहीं बने, लेकिन एक दिन उनका नाम पूरी दुनिया पर छा जाएगा। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ और तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। मनीष और सरीना मिलकर सबको समझाते हैं। काफी बहस के बाद सबको मनीष का फैसला ठीक लगता है। ये सब देखकर मनीष की माँ सरस्वती बोलती है, अगर सरीना हर्ष के साथ खुश रहेगी तो इसमें बुराई ही क्या है। वैसे भी हर माँ बाप तो यही चाहता है ना कि उनका बच्चा शादी के बाद खुश रहे। तो जब लड़का लड़की एक दूसरे के साथ खुश है तो इसमें हमें क्या दिक्कत हो सकती है। मनीष बिल्कुल सही कह रहा है, वो सरीना और हर्ष की शादी खुद करवाएगा। गीता सरस्वती की बातों को सुनकर अपना फैसला बदल देती है और उन दोनों की शादी खुशी खुशी करवा देती है। थोड़े दिनों बाद सरीना की बहन उसके यहाँ कुछ दिन रहने आती है और वो सरीना से कुछ सवाल करती है। सिमरन जिद करती है और बोलती है, बताओ ना दीदी, हर्ष एक बहुत नेक दिल इंसान है। जब मैंने पहली बार उन्हें गाना गाते सुना था ना, तभी खुद से वादा कर लिया था कि जब तक उन्हें उनके मुकाम तक ना पहुंचा दूं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलने पर सिमरन उसे प्यार से गले लगा लेती है। तन्वी और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। तभी उनके कॉलेज में एक आराध्या नाम की बहुत ही हॉट सी गर्ल की एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी उसके आगे पीछे लट्टू की तरह घूमने लगते हैं। पर सिद्धार्थ और तन्वी अपने ही दुनिया में एक साथ खुश रहते थे। तभी आराध्या उनके पास आकर उनसे बोलती है, एक्सक्यूज मी, मैं इस कॉलेज में न्यू हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोलो, क्या मदद चाहिए? तू करेगी इसकी मदद? अच्छा मजाक है। तुझे क्या लगता है, मुझे कुछ आता नहीं है क्या? अब तू देखना। बोलिए, क्या मदद चाहिए आपको? एक्चुअली मुझे असाइनमेंट बनाना है, पर मैं कॉलेज में लेट आई हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम है, हम करेंगे आपकी हेल्प। और तू तू रहने दे, पहले अपना असाइनमेंट पूरा कर ले, आई बड़ी हेल्प करेगी। तुझे नहीं लग रहा तू इस मैम के सामने कुछ ज्यादा हीरो बन रहा है, है? कोशिश, अरे ये क्या होता है, मैं हूँ हीरो, जरा गौर से देखो। ओ प्लीज, मेरी वजह से आप दोनों लड़िए मत। अरे तुम टेंशन मत लो, इसका और मेरा तो ये रोज का सीन है। कुछ ही दिनों में आराध्या उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाती है। ऐसे ही एक दिन तीनों दोस्त घूमने के लिए एक बीच पर जाते हैं, क्योंकि आराध्या थोड़ी मॉडर्न होती है
इसीलिए वो वहाँ पर बिकिनी पहनकर आती है। वहीं तन्वी शॉर्ट ड्रेस में। थोड़ी ही देर के बाद आराध्या पानी में से बिकिनी पहनकर बाहर आ रही होती है। उसे ऐसे देखकर सिद्धार्थ धीमी आवाज में बोलता है, वाओ, ये बिकिनी में पानी से निकलती हुई कितनी हॉट लग रही है। क्या बोला तूने? आराध्या, तुम्हें हॉट लग रही है बिकिनी में? अच्छा, बिकिनी वाली लड़कियां पसंद आने लग गई अब तुम्हें? अरे यार तन्वी, तुम तो बुरा ही मान गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या हुआ गाइस, सब ठीक तो है ना? अगर तुम पूरे कपड़े पहनकर आ जाती तो कुछ चला जाता क्या तुम्हारा? इसको क्या हुआ? अरे अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझसे थोड़ी नाराज हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा, यू डोंट वरी। तन्वी गाड़ी में बैठकर रोने लगती है। सिद्धार्थ आराध्या से बात करके उसके पास आता है और उसे चुप करवाते हुए बोलता है, अपने सिद्धार्थ पर बस इतना ही भरोसा है? सुनो, मुझे तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन किसी और पर नहीं है। क्या पता किसकी नीयत कब खराब हो जाए। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, वो तो बस क्या हा? वो क्या है ना, मैंने ऐसी लड़की आज तक कभी नहीं देखी थी और जब आज देखा तो मजा ही आ गया। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आज। सिद्धार्थ जैसे तैसे करके तन्वी को मना लेता है, लेकिन तभी आराध्या उनके पास आ जाती है, जिसे देखते ही तन्वी का गुस्सा एक बार फिर से हाई हो जाता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। वहीं तीनों वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते आराध्या और सिद्धार्थ एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये सब देखकर तन्वी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी एक दिन कॉलेज में एक इवेंट शुरू होता है जिसमें तन्वी एक नाटक में भाग लेती है, तो वहीं दूसरी ओर आराध्या अपनी एल्बम के लिए फोटो शूट करवाती है और सिद्धार्थ तन्वी के पास ना जाकर आराध्या के पास ही जाता है और ये बात तन्वी को बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है। तो वो सिद्धार्थ को लाइन पर लाने के लिए सिद्धार्थ के ही बचपन के दोस्त विवेक को कॉल करती है और उससे बोलती है, विवेक, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अरे भाई, क्या हो गया, तू कब से सीरियस रहने लगी? जब से तेरा दोस्त सिद्धार्थ बिगड़ा है। क्या हुआ तन्वी, तू रो रही है? मुझे बता क्या हुआ, मैं करूँगा तेरी हेल्प। तन्वी रोते हुए विवेक को सारी बातें बता देती है कि आखिर किस तरह आराध्या उसकी और सिद्धार्थ की लाइफ में आई और फिर उसने उन दोनों के बीच में दूरियां बनाना शुरू कर दिया। विवेक ध्यान से तन्वी की सारी बातें सुनता है और उन्हें अच्छे से समझता है, जिसके बाद वो एक अच्छे दोस्त होने का पूरा फर्ज निभाता है। साथ ही दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास हो सके कि आखिर उसने किसे खोया है। अगले दिन विवेक और तन्वी दोनों एक साथ कॉलेज जाते हैं और लंच भी एक दूसरे के साथ ही करते हैं। ये सब देखकर पहले तो सिद्धार्थ को बहुत अजीब लगता है, वो बहुत बुरा भी मानता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अब तन्वी अपना सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ विवेक के साथ बिताया करती थी और ना ही सिद्धार्थ से कोई बातें करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन विवेक सिद्धार्थ को एक अननोन नंबर से कॉल करता है, जिसके बाद सिद्धार्थ तो उसे पहचान नहीं पाता। फिर विवेक उससे बोलता है, अच्छा जी, भूल गया अपने बचपन के साथी को? क्या यार, तू कैसी बात कर रहा है? अच्छा चल, ये सब छोड़, मैं क्या बोल रहा था, बहुत दिन हो गए कहीं बाहर नहीं गए, क्या कहता है, गोवा चले? क्यों नहीं भाई। तो ठीक है, 3 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, और तू, मैं और तन्वी, और हाँ वो तेरी एक फ्रेंड है ना, क्या नाम था उसका, हाँ आराध्या, उसको भी ले आना, वो क्या है ना, तेरा भाई सिंगल है। और वो सभी लोग गोवा के बीच पर जाते हैं। विवेक और सिद्धार्थ एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ एक तरफ आराध्या बिकिनी पहनकर बीच पर जाने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ पानी में से तन्वी एक हॉट सी बिकिनी पहनकर बाहर निकल आती है, जिसे देख विवेक और सिद्धार्थ दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और विवेक बोलता है, वाओ तन्वी, तुम इस बिकनी में कितनी हॉट लग रही हो। थैंक यू। क्या है ये सब, और ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, तुम्हें मेरी तन्वी हॉट लग रही है बिकनी में? भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है, अब मुझे तन्वी आराध्या से ज्यादा हॉट लग रही है तो इसमें मेरी गलती है क्या? और वैसे भी तुझे भी तो आराध्या बिकनी में हॉट लगती है, तभी तो तू तन्वी को छोड़ इसके पीछे भाग रहा है। अरे सोच, तन्वी को कितना बुरा लगा होगा उस दिन जब वो तेरे साथ थी, पर तेरा ध्यान तो आराध्या पर था। और हाँ, आज जब मैंने बोला तन्वी हॉट है
तो तुझे याद आ गया कि तन्वी तेरी है। कमान सिद्धार्थ, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? तुम्हें बिकनी वाली लड़कियों को ताड़ने से फुर्सत मिले तब है ना? अपने दोस्त की बातें सुनकर सिद्धार्थ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलतियों के लिए तन्वी से माफ़ी मांगते हुए उससे कहता है, तन्वी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सका, पर आज जब मैंने ये फील किया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत था। तन्वी मुझे भी माफ़ करना, मैं सब जानती थी तुम दोनों के बारे में, फिर भी मैंने सिद्धार्थ को नहीं रोका, मैंने एक फ्रेंड होने का फर्ज नहीं निभाया, आई एम सो सॉरी। जहाँ एक तरफ सिद्धार्थ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है तो वहीं तन्वी भी उसे माफ़ कर देती है और सारा सच भी बता देती है। अब वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं, जिसके बाद जल्द ही वो लोग शादी भी कर लेते हैं, जिसमें आराध्या उनको एक गिफ्ट देते हुए बोलती है, तेरे बड़े ही काम की चीज दी है मैंने, इसको पहनकर अपने सिद्धार्थ को खुद से हमेशा के लिए बांध कर रखना। तन्वी आराध्या का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है जिसमें एक बहुत ही सेक्सी सी बिकिनी होती है। तन्वी उस बिकिनी को पहनकर सिद्धार्थ के सामने आती है और इस तरह दोनों एक साथ अपनी खुशहाल जिंदगी को जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।